अब्बू इंतहा तो ये है कि अक्सर मामू भी हमारे कमरे में आ कहते हैं, बेटा तुम्हारे कमरे का फर्श ठंडा है, मैं यहाँ लेट रहा हूँ। और बेटा जरा ये भी बताओ कि अब्दुल सलाम लेटा हुआ कैसा लगता है? जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे छप्पड़ में से निकल के दरियाई घोड़ा सन बात ले रहा हो। तो मना करें? क्या मना करूं, उसे जो लगता है वो बता रहा है। सिर्फ एक दिन गया हूँ इनके कमरे में, उस दिन जिस दिन बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, मैंने सोचा बच्चे कहीं डर न रहे हो, इनके कमरे में जाके सो जाता हूँ। मेरे बच्चे बिजली कड़कने से नहीं डरते, तुम्हारे खराटों से डरते हैं अब्दुल सलाम। ठीक है, मैं अपने भाई को लेकर कहीं चली जाती हूँ। फिक्र ना करें, रोजाना दो तीन दफा कहती हैं। शर्फू शर्फू तुम्हारा क्या ख्याल है, गुस्से में लिए हुए डिसीजन ठीक होते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल तबीयत के डिसीजन भी आपके ठीक नहीं होते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जब छुप के किसी की बात सुन रहे होते हैं, हाँ जी भाई, एक फोन पे बात हो रही है, उधर से पता नहीं क्या सवाल आया, इधर से क्या जवाब है, बिल्कुल आप सिर्फ जवाब सुन के उसको अपने किसी सवाल के साथ अटैच करके तो अपना ख्याली सा कोई ऐसा खाका बना लें जहन में कि ये हमारे खिलाफ बात हो रही है या हमारे मुतल्लिक कुछ बताया जा रहा है, या तो आप भी गुस्से में ही आएंगे ना, झगड़ा ही बनेगा। बिल्कुल, इसीलिए तो ये गुनाह है छुप छुप के बातें सुनना एक दूसरे की। भाई आप अपनी जिंदगी गुजारें, उसे अपनी जिंदगी गुजारने दें, क्या जरूरत है छुप छुप के एक दूसरे की बातें सुनने की, वो दूसरे को पता तो चल ही जाता है। हाँ। तो और क्या, हमारे तो घर में कोई इतना चौड़ा पिलर भी नहीं जिसके पीछे छुप के मामू बातें सुन ले। देखा, जिस मामू ने गोद में खिलाया उसी को बातें कर रहा है। मैं किस लिए सुनूंगा आपकी बातें, तुम कौन सा मुल्की सतह पे बातें कर रहे हो? बहुत बुरी बात है किसी की बातें छुप छुप कर सुनना, दिस इज नॉट फेयर। फ्री साहब आप यकीन करें, जब जंगल में शेर बैठकर अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहा होता है, मैंने उनकी कभी बात नहीं सुनी। शेर मेरी तरफ देखे भी तो मैं कहता हूं कैरी ऑन कैरी ऑन, मैं दूर चले जाता हूं। जब उनकी बातें खत्म हो जाती हैं, फिर मैं हमला करता हूं उनके ऊपर। दुर्रानी साहब, ये कौन से शेर हैं जिनको आप कह देते हैं कैरी ऑन कैरी ऑन? सर असल में दुरानी साहब ने अपनी कोठी के पीछे जो लॉन है उसको जंगल बनाया हुआ है, वहां फोम के शेर रखे हुए। जिस दिन बारिश हो जाए ना जी, शाम को अपने शेर निचोड़ के अंदर ले जाते हैं। निचोड़ा हुआ शेर कितना खतरनाक होता है तुम्हें क्या पता अब्दुल सलाम? जब शेर अच्छी तरह सूख जाए ना, मैं फिर उसको बाहर निकालता हूँ। एक दफा तो हमसायों की बिल्ली अब्बू के शेर की दुम उखाड़ के ले गई। वो कर सकती है, वो शेर की खाला होती है। मोहल्ले के बच्चे आवाजें लगानी शुरू हो गए कि दुरानी अंकल ने लुंडा शेर रखा हुआ है। लुंडे शेर का एक ही नुकसान होता है फरीद साहब, उसका बैलेंस आउट हो जाता है, वो कभी कभी बैठा बैठा आगे को गिर जाता है। दुरानी साहब, मैं तो पहली दफा सुन रहा हूँ आप किस किस्म के शिकारी हैं, फोम के शेर रखे हैं, लुंडे शेर रखे हैं आपने? एडवेंचर ओनली प्रैक्टिस के लिए रखे हैं मैंने, प्रैक्टिस के लिए। सही शिकार तो मैं असली जंगल में जा करता हूँ। तो किस मौसम में जाते हैं दुरानी साहब शिकार पे? जिस मौसम में जंगल का किराया इकट्ठा हो जाए। किराया इकट्ठा करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है फरीद साहब, किसी भी दोस्त को मैं फोन करके कह देता हूं फरीद मैं शिकार पे जा रहा हूं, अल्लाह के नाम पे मुझे किराया भेज दो। दुरानी क्या फजूल मजाक शुरू कर दिया तुम लोगों ने। वैसे यार क्या मजे की फैमिली है आप लोगों की, लेकिन फिर भी आप लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ रहे होते हैं। फरीद साहब छोटी बात, जब भी मैं कभी इनके साथ कोई बात कर रही होती हूँ तो ये कान लगा के दरवाजे के साथ हमारी सारी बातें सुन रही होती है। अल्लाह माफ करे, कब मैंने दीवार के साथ कान लगाया है? मुझे सब पता है, मैं कोई चूची नहीं हूँ। चूची तो तुम वाकई नहीं हो, बाकायदा पूरी कुकड़ी हो। बल्कि वो कुकड़ी जिसने दड़बे में बाकी सबको वक्त डाला होता है। ना करो ऐसी बातें, क्यों खुदा के वास्ते। ये शख्स जो है ना जी, असल में
ये जो मुलाजिम होते हैं या इर्द गिर्द के आपके लोग होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो ये देख लेते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, बिल्कुल, घर में सिचुएशन क्या चल रही है, किस सिचुएशन के साथ खेला जा सकता है, बिल्कुल, ये लोग सब जानते हैं, ये बड़े तेज होते हैं। इनको पता चल जाए ना कि बेगम साहिबा जो हैं वो बहू रानी के साथ ठीक नहीं है, बिहेव ठीक नहीं है, या उनके साथ इनकी लड़ाई चल रही है, हाँ जी, तो लाजमन ये किसी ना किसी पार्टी के साथ मिल जाते हैं करल साहब, और घर में इस चीज का ये फायदा भी उठाते हैं और लड़ाई भी डलवाते हैं। जी हाँ जी हाँ, सबसे पहले बात ये शुरू करते हैं कि बीबी जी वो बताने वाली बात तो नहीं है, मगर मेरा नाम ना लीजिएगा, वो जो बीबी है ना छोटी बीबी, वो आपके मुतल्लिक ये कह रही थी। अब जो मालकन होती है, बकवास नहीं करो, अगर मालकन बेचारी इस तरह की हो माशाल्लाह पढ़ी लिखी तो वो तो फौरन उसकी बात के पीछे लग जाएगी, उसे कह देगी कि जरा फिर सुनना, जरा ध्यान रखा करो, जरा मुझे आके बताते रहा करो। तो अगर कोई समझदार हो, और जाहिल हो, जाहिल आप जैसी पढ़ी लिखी ना हो, कोई जाहिल खातून हो, तो वो फौरी तौर पे नौकर को झाड़ दे, खबरदार ऐसी बात की तो आज, वो भी घर की मालकन है, ऐसी बात नहीं करनी, नहीं करनी, तो वही बात खत्म हो जाती। भाई आप किस लिए मुलाजम के पीछे लग के तो अपने घर में फसाद और झगड़ा खड़ा कर रहे हो? अरे वाह वाह, कदूस साहब इतनी अच्छी बात की, आपकी बात सुनकर आज मुझे लगा कि मैंने 5 फुट का शेर मारा है। साहब जी मैं आपके घर में छोटा सा आया था, तो मुझे क्या जरूरत है लगाई बुझाई करने की? तो फिर बीबी को कैसे शक पड़ जाता है कि दरवाजे के साथ किसी ने कान लगाया हुआ है? हाँ। ये क्या अपनी एक आंख बाहर सहन में रख के अंदर जाती है? मुझे खुद ही पता चल जाता है। हाँ पता चल जाता है, जैसे पहले ही से डांटती थी कि क्यों आके ये कहते हो कि मेरे भाई अब्दुल सलाम ने फ्रिज खोला हुआ है। हाँ। याद है ना, ये वही शख्स है, भाई की आके तुम्हें बात बताता था उसमें तुम्हें इसे डांट देती थी, अब बहू की बात बताता है तो तुम उसके साथ मिल जाती हो। फ्रिज तो अब्दुल सलाम इतना खोलता है, फ्रिज साहब देखें डॉलर कहाँ चला गया है, महंगाई कितनी हो गई, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, इन दोनों बहन भाइयों की सेहत पे कोई असर नहीं हो। दुरानी अंकल हमारा फैमिली स्ट्रक्चर ही ऐसा है, आपने हमारे अबू को नहीं देखा हुआ? जी हाँ, इस स्ट्रक्चर की वजह से इनकी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता था तो एलडीए से अप्रूवल लेटर लिया जाता था। हाँ अम्मी बताती हैं कि नाना अबू को महफिल में जब लाते थे तो रेडी पे बिठा के लाते थे। आपको क्या महफिल में गुट पे बिठा के लाते हैं? यार बस कर दो खुदा के वास्ते, किसी वक्त सीरियस भी हो जाए। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल हो चुकी है फैमिली की, फरीद साहब जी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे नाराजगियां शुरू हो जाती है। खुदा के लिए देखो कुछ थोड़ा सा समझो,